स्वागत है आप सभी का कर्म आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पर। आपके साथ मैं हूँ विशाखा। इस चैनल पर आप किडनी से जुड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है किडनी पेशेंट्स के लिए हनी यानी शहद कितना खराब है और कितना सही। हनी डाइट में एक टेस्ट ऐड करता है। किडनी पेशेंट हनी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसे कंज्यूम करने से पहले डायटिशियन को कंसल्ट ज़रूर करें, जिससे आप ये जान सकें कि आप कितने अमाउंट में इसे कंज्यूम कर सकते हैं। जो किडनी पेशेंट्स डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं, वो इसे बिल्कुल कंज्यूम ना करें। हनी इसलिए कंज्यूम ना करें क्योंकि ये बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कर सकता है, जो कि किडनी प्रॉब्लम के रिस्क को इंक्रीज कर देता है। इसमें प्रेजेंट एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट्स कई हेल्थ प्रॉब्लम से बचाते हैं और किडनी प्रॉब्लम के रिस्क को भी कम करते हैं। अब आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बताएंगे। फर्स्ट, ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हनी को गर्म पानी में मिलाकर रोज़ पिए, ऐसा करने से आप किडनी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। सेकेंड, हीलिंग वूंड्स और इन्फेक्शन। शहद एक एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट माना जाता है, जो इन्फेक्शंस को ठीक करने में हेल्प करता है। थर्ड, हनी में अप्रोप्रिएट अमाउंट में एंजाइम्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और अमीनो एसिड्स होते हैं, जो बॉडी को एनर्जाइज करते हैं। फोर्थ, मॉइस्टनिंग स्किन। ड्राई स्किन किडनी प्रॉब्लम का स्टार्टिंग सिम्टम होती है। आप हनी के साथ दही को मिलाकर अपनी स्किन पर लगा सकते हैं, इससे आपकी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हनी के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि मानुका, बकव्हीट, वाइल्ड फ्लावर, ब्लूबेरी, ऑरेंज ब्लॉसम, क्लोवर और अल्फाल्फा, लेकिन सबसे बेस्ट मानुका हनी को माना जाता है। तो ये थी हनी से जुड़ी जानकारी। अगर आप या आपका कोई अपना इस बारे में और जानकारी चाहता हो या किडनी की किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, तो आप कर्म आयुर्वेदा किडनी केंद्र में ज़रूर संपर्क करें। संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। इन्फॉर्मेशन अगर यूज़फुल लगी हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।